पूरा भरा हुआ है हर जगह, गंदगी से फैल रहा है, खाली गंदगी है तो लोग इसमें। और ना तो पूर्व मुखिया का ध्यान था, ना तो प्रेजेंट मुखिया का भी अभी तक ध्यान, किसी को ध्यान नहीं है। देख सकते हैं साथियों की किस तरीके से चुनाव में लोग ने अपने वादे करते हैं कि हम हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम आपको साथ हैं, हर दुख सुख में हम आपको साथ देंगे। साथ का जब समय आता है तो यहाँ का जनता का पैर टूट जाता है, लेकिन देखने के लिए भी कोई नहीं आता है। जाएंगे, जरूर जाएंगे, नहीं तो देखिए ना, गरीब लोग लगाए हैं पैदा, इसमें काट 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 भी नहीं पाए हैं, ऐसी फसल इसमें बर्बाद हो गई है। हर साल यहाँ पे ऐसी होता रहता है, मैंने यहाँ पे जान का खतरा है। बाद भी किसी को कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं, प्रतिनिधि नहीं, कोई प्रतिनिधि का गंदगी इतना आगे, गंदगी से तो यहाँ पे हवा चलने के बाद यहाँ पे इतना दुर्गंध देता कि प्रभाव ज्यादा पड़ता है। कभी भी लड़ाई झगड़ा खतरा का हरदम हर समय डर रहता है। कोई भी प्रतिनिधि सर इस पर देखने के लिए तैयार, कोई भी प्रतिनिधि इस पर देखने के लिए तैयार नहीं। ये किनके कार्यकाल में बना था सर? ये गणेश रजक के कार्यकाल में बना था और वार्ड नंबर 6 है जो कि संजय पासवान वार्ड है और अभी भी वर्तमान में वही है। ये पता है सर कि इनका बिल निकल गया है सर कि बाकी है? इनका बिल टोटल निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक काम पूरा, अभी तक काम पूरा नहीं किया गया है। नहीं आने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? बौधू यादव। क्या दिक्कत है चाचा यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि नाली में पानी एकदम से जम गया है, कनों की धुरो निकलने का न उधर न इधर की धुरो नहीं निकलता है, इसी आधे बना के छोड़ दिया। कितना दिन से चाचा ये जो है समस्या? अगले साल से बनाया रहा, यही टाइम में बनाया रहा, यही टाइम से। कौन था मुखिया आपका? मुखिया था गणेश रजक था, उसी समय का ये घटना है। आधा बना के छोड़ दिया। लगातार हम लोग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नाली बनाया गया उस पर ढक्कन भी नहीं है और पानी का जमाव देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट है और आगे तक जो है जहाँ पे कि पानी का निकास जाना चाहिए वहाँ तक पानी नहीं गया। इसके कारण जो है यहाँ पे कभी भी बच्चा के साथ दुर्घटना हो सकता है, जानवर के साथ दुर्घटना हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई भी प्रतिनिधि इसको देखने के लिए तैयार नहीं है, आगे बढ़ के काम करने के लिए कोई भी यहाँ पे तैयार नहीं है। काफ़ी यहाँ पे समस्या आप देख सकते हैं कि कितना पानी यहाँ पे जो है जो भी में जमाव है और यहाँ पर खेत में भी देखिए कि 5-10 कट्ठा जो है यहाँ पे बराबर जो है नकदी जमीन जो है उनका जो है पैदा नहीं हो पाता है, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे आगे बढ़ के काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम हकीकत आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। वार्ड नंबर 6 बसुआ चक में अभी हम लोग हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से नाली है, एकदम बिल्कुल जो है यहाँ पे खतरा है। कभी भी यहाँ पे अचानक कोई बच्चा अगर आता है तो डूब के मर जाएगा, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पे कोई भी प्रतिनिधि इसका निदान करने वाला कोई नहीं। यहाँ पे जानवर को भी बराबर दिक्कत होता है। हम दोनों साइड आपको फोटो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, भैया हटिएगा ताकि देख सकते हैं कि इधर कितना गंदगी है और कोई यहाँ पे पानी का जमा बराबर रहता है, यहाँ पे पानी पास करने का भी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। कब से है यहाँ का जो स्थानीय निवासी है हम उनके माध्यम से जानने का कोशिश करें। तो हमारे साथ में अभी जो है परमेश्वर यादव जी जुड़ चुके हैं जिनके साथ की समस्या हुआ था, इनका इसी नाली में पैर टूटा था, तो जानते हैं सच्चाई हकीकत क्या है। क्या नाम है सर आपका? परमेश्वर यादव। आप कहाँ से हैं? बसुआ चक से। वार्ड नंबर बता दीजिए सर। 6 नंबर। पता चला है सर कि ये जो आपका नाली बना है सर ये तो बिल्कुल जर्जर है, इस पे जो है ढक्कन भी नहीं लगाया गया है और ये भी पता चला था कि इसी नाली में जो है आपके साथ में दुर्घटना हुआ था जिसके कारण आपका पैर टूटा था। क्या सच्चाई है सर? सही, मेरा पैर वहीं पर टूटा नाली में। नली में टूटा था बिल्कुल सर, दो टुकड़ा हो गया था। हाँ, दो टुकड़ा हो गया। कैसे सर टूटा था? मैंने गिर गए, ढक्कन नहीं था उसके लिए, मैं गिर गया, नीचे में गड्ढा था। मैंने किस एक काम? बराबर लेवल नहीं था नीचे में। अच्छा, उसी कारण जो है कि गड्ढा में गया, टूट गया। कितना दिन पहले टूटा था सर आपका पानी निकास? कितना दिन पहले आपका पैर टूटा था सर? साल भर हो गया। लेकिन यहाँ पे सर कोई भी प्रतिनिधि जो भी हमारे अभी प्रेजेंट उम्मीदवार है, चाहे पूर्व जो भी उम्मीदवार हैं, उसको सर इस काम को लेकर के कितना सीरियस है सर? वही काम है, कचरा पूरा भरा हुआ है हर जगह, नाली से गंदगी से फैल रहा है, खाली गंदगी है तो लोग इसमें। और ना तो पूर्व मुखिया का ध्यान था, ना तो प्रेजेंट मुखिया का भी अभी तक ध्यान, किसी को ध्यान नहीं है। देख सकते हैं साथियों की किस तरीके से चुनाव में लोग ने अपने वादे करते हैं कि हम हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम आपको साथ हैं, हर दुख सुख में हम आपको साथ देंगे। साथ का जब समय आता है तो यहाँ का जनता का पैर टूट जाता है, लेकिन देखने के लिए भी कोई नहीं आता है। क्या सर, क्या लगता है सर कि बसुआ चक में क्या क्या चीज़ विकास का कमी है, क्या जानकारी देंगे सर? सबसे पहले ये नाली इसको बनना चाहिए, सबसे पहला काम ये होना चाहिए। हम लोग बहुत क्षति पब्लिक को होता है, पानी के निकासी नहीं है। हाँ, पानी का कोई निकास यहाँ पे नहीं है। सबसे पहला विकास आपका नली चाहिए। अच्छा सर, जिस समय बन रहा था सर तो उसमें बनने के टाइम जो है आप लोग क्यों विरोध नहीं किए सर? यहाँ पे ढक्कन भी नहीं है, मेरा यहीं तक टारगेट है, उसका आगे आएगा दूसरा बार करके। अरे भैया, तो इसमें ढक्कन भी नहीं है, लोग यहाँ पे मर रहा है, लोग जानवर का खतरा हो रहा है, उस समय भी आप लोग का भी तो थोड़ा सा वही गटर पलटी हो गई है बहुत जगह, इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पे घटना भी हुआ है, पता चला कि यहाँ पे आदमी को पैर टूट गया था, जानवर का भी पैर टूट जाता है, जानवर भी लोग यहाँ पे गिर जाता है, तो क्या ही सब पर दिखाई।
और तो यहाँ पे हम लोग तमाम लोगों से, क्या नाम है छोटू आपका? अरुण कुमार। आप कहाँ से हैं? बसुआ चौक। क्या है आपका लगता है कि इस पे आप लोग जो है जम के काम करेंगे, मुखिया जी के पास जाएंगे? जाएंगे, जरूर जाएंगे, नहीं तो देखिए ना, गरीब लोग लगाए हैं पैदा, इसमें काट भी नहीं पाए हैं, इसी फसल इसमें बर्बाद हो गई है। हर साल यहाँ पे ऐसी होते रहता है, मैंने यहाँ पे जान का किसी को कोई प्रभाव नहीं है, कोई प्रभाव नहीं, प्रतिनिधि नहीं, कोई प्रतिनिधि का गंदगी इतना आगे, गंदगी से तो यहाँ पे हवा चलने के बाद यहाँ पे इतना दुर्गंध होता है कि प्रभाव ज्यादा पड़ता है। चलिए चाची जी, क्या नाम है आपका, थोड़ा सा जानकारी देंगे क्या? क्या नाम है आपका? ठीक बोलिए, नामा बोलो ना की। आप बसवे चक से है ना? क्या विकास चाहिए यहाँ पे चाची? देख सकते हैं यहाँ पे आदमी को बराबर बोला जाता है कि पैर टूट जाता है आदमी का, जानवर का भी पैर टूट गया है, इसमें जान का खतरा है नाली का। तो मुखिया जी से क्या है, आप विनती करना चाहते हैं ये सब बनना चाहिए? बना दो यार, कुछ ही चाहिए, बना दो। सबसे पहला काम आप नाली बनाने का कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? बहुत ही ज्यादा। क्या दिक्कत है चाचा यहाँ पे, जो हम देख रहे हैं कि नाली में पानी एकदम से जम गया है, कहो किधर निकलने का, न उधर न इधर, किधर नहीं निकलता है, इसी आधे बना के छोड़ दिया। कितना दिन से चाचा ये जो है समस्या? अगले साल से बनाया रहा है, यही टाइम में बनाया रहा है, यही टाइम से। कौन था मुखिया आपका? मुखिया था गणेश रजक था, उसी समय का ये घटना है। आधा बना के छोड़ दिया, आधा बना के। क्या नाम है सर आपका? सुधीर कुमार। क्या यहाँ के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी? यहाँ सर जो नली है ना, ये होल्ड पर से बना है तो वो आधे बना है, राजेश यादव घर पर पास छूट गया है नली, पांच नंबर पे। उसके बाद जो है फिर मोहन यादव के घर से चानो यादव घर तक बना है, जबकि नली जो है जोर में जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं पहुँचा के बीच में छोड़ दिया है, और खेत में किसान के खेत में पानी जमा हो जाता है, जिससे कभी भी लड़ाई झगड़ा खतरा का हरदम हर समय डर रहता है। कोई भी प्रतिनिधि सर इस पर देखने के लिए तैयार? कोई भी प्रतिनिधि इस पर देखने के लिए तैयार नहीं। ये किनके कार्यकाल में बना था सर? ये गणेश रजक के कार्यकाल में बना था, और वार्ड नंबर 6 है, जो कि संजय पासवान वार्ड है, और अभी भी वर्तमान में वही है। ये पता है सर कि इनका बिल निकल गया है सर कि बाकी है? इनका सर बिल टोटल निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तक काम पूरा अभी तक काम पूरा नहीं किया गया। नया मुखिया जी से इस पर डिस्कस किए थे सर? नया मुखिया से डिस्कस किए हैं, वो भी अभी तक इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी। वो भी मैंने की अभी मैंने आनकानी कर रहे हैं, आनाकानी पूरा कर रहे हैं, वो भी बात को नहीं समझ रहे हैं, टाल बटोल कर रहे हैं। तो साथियों, हम ये बताना चाहते हैं कि बलुई पंचायत के बसवाचक गांव में एक ऐसा समस्या है जिनके कारण जो है बराबर यहां के गांव के ग्रामीण के निवासी के कारण जो है बराबर यहां पे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकता है, कभी भी घटना हो सकता है, क्योंकि यहां पे नाली का जो काम किया गया है वो बिल्कुल अधूरा किया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि यहां का बजट जो है पैसा निकाल लिया गया है। क्या नाम है सर आपका? लाल बिहारी कुमार। क्या सर आपको लगता है कि इसका बजट निकल गया सर, कि इसका काम अब होगा? हाँ, इसका तो बजट निकल गया, अब तो वो नहीं काम करेगा। क्या जनता लोग क्या करेंगे? जनता लोग हम जो अभी भी वार्ड वही है जो वार्ड ने काम कराया शुरू में, जी जी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि इस पर जो है कि फिर से इसको बनावे, और इस पानी का निकासी जोर तक जाना चाहिए, जो कि अभी तक देख रहे हैं चानो यादव घर तक ही सीमित है जी। और इसमें कई प्रकार का मामला हो जाता है, कभी खेत डूब जाता है, फसल खराब हो जाता है, जानवर गिर जाता है, बच्चा बुतरू भी इसमें डूब जाता है, समस्या है कभी भी मतलब हो सकता है। मैंने यहाँ पे ये समस्या भी बने रहता है, एक न एक मतलब होते रहता है, मैंने कभी भी यहाँ पे जान के खतरे के जानवर के साथ आदमी के साथ हो सकता कुछ है, कुछ कभी के साथ हो सकता, लेकिन यहाँ पे कोई देखने वाला तैयार नहीं है, देखने वाला नहीं है कोई भी मुखिया जी यहाँ पे अभी। हाँ, देखिए पूरा रद्दी है, नाली सब टूट गया, मतलब 2-3 साल हुआ बनले, सब टूट गया है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। उसको गोल अभी तक टूट लिए? हाँ, इसमें क्या, कौन गिरा था? परमेश्वर यादव। अच्छा, इसी में गिरा था? इसी में गिरा था, गिरा था, वही टूट गया, और उसका पैर भी टूट गया सर। पैर टूट गया, लेकिन अभी तक भी इसका कोई नाली का सर कोई अच्छी नहीं किया गया, कोई नहीं किया। तो साथियों, देख सकते हैं कि लगातार हम लोग यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उनके माध्यम से जानने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी का पैर भी टूटा था इसी नाली के वजह से, लेकिन अभी भी इनका जो है मरम्मत का कोई भी आगे जो है कार्रवाई नहीं हुआ है, और लगातार जो है यहाँ पे बोला जाता है कोई भी प्रतिनिधि कि हम विकास करेंगे, हर विकास को बल देंगे, हर समस्या को हल देंगे, और जब समस्या आता है तो यहाँ पे कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। देख सकते हैं कि किस तरीके से जर्जर है नाली, बिल्कुल तरीके से जो है एकदम पानी का जमाव रहता है दोनों साइड जो है। और क्या जानकारी देंगे सर यहाँ के बारे में? अभी जो है प्रेजेंट जो है मुखिया जी ऐसा उठते अभी हम लोग प्रेजेंट मुखिया से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि थोड़ा सा मजबूरी को देखते हुए इसको बनाया जाए, और हम यही कहना चाहते हैं, और क्या ताकि हम लोग का जो भी जानवर है, ताकि हम लोग का, और इसमें ढक्कन का भी प्रक्रिया हो जाए तो अति सुंदर है, और ढक्कन भी नहीं लगा है, ढक्कन भी नहीं लगा है, इसी कारण जानवर लोग को यहाँ जानवर बच्चा बुतरू सब इसमें जो है कि डूब जाता है, कभी पैर टूट जाता है, कभी क्या होता है, और जल जमाव है ज्यादा, अभी नली जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया।
क्या नाम है सर आपका? बनवारी। क्या कहना चाहेंगे सर विकास के बारे में यहाँ के बारे में? नली बनना चाहिए, इसमें पानी रहता है। मैंने सबसे विकास सर यहाँ पे नली है, नली है बस। इसके कारण जो है सर जानवर का आदमी का सबसे जान का नुकसान है, हर चीज का। यहाँ पे नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर यादव जी का भी गोली इसी नली में टूटा था। किया तो लगातार साथियों हम लोग कोशिश कर रहे हैं जानने का कि यहाँ पे जो है कभी भी किसी के जानवर के साथ और आदमी के साथ में कभी भी समस्या हो सकता है। कि किस तरीके से जर्जर है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ढक्कन भी नहीं लगाया गया है, जस के तस जो है यहाँ पे विकास को बदनाम किया जा रहा है। किस तरीके से विकास का बदनाम किया जा रहा है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ का जो भी स्थायी निवासी है हम उनके माध्यम से जानने का कोशिश कर रहे हैं।